नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी सक्सेना। एचपी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। एचपी न्यूज लाता है आप सभी के लिए हर छोटी से बड़ी खबरें। तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप सभी को हर खबर की अपडेट आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर। राजगढ़ जिले के नगर परिषद कुरावर के वार्ड क्रमांक 5 में नगरवासी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। आपको बता दें कि कुरावर नगर परिषद में 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी गरीब लोग शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो पात्र लोग आज भी आवास योजना से वंचित हैं और मोहल्लों में सीसी सड़क भी नहीं बनाई गई और न ही नालियों का निर्माण किया गया, जिसके कारण बारिश में कीचड़ और गंदगी से नगरवासी परेशान हैं। वहीं अन्य योजना का लाभ भी नगरवासियों को नहीं मिल पाया है। ऐसे में नगर युवा नरेंद्र वर्मा इन दिनों नगरवासियों के साथ मूलभूत सुविधा और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु नगर भ्रमण कर रहे हैं। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। आगामी नगर परिषद चुनाव को देखते हुए वार्ड क्रमांक 5 में आप आज खबर मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है। वहां पर आगामी युवा उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा से खास बातचीत करते हैं। आपके वार्ड में क्या क्या कमी है 5 साल में और आगामी आप नगर परिषद के चुनाव की तैयारी कर रहे हो? आप देख सकते हैं आपकी टीम यहाँ घूमी हुई है वार्ड में। कमी आपको पता है, पानी भरा हुआ जगह जगह, हर जगह मच्छर, रोड नहीं है, नाली नहीं है। आज 5 साल में परिषद ने यहाँ पे रोड नाली कुछ भी व्यवस्था नहीं कराई है। आपके द्वारा क्या क्या व्यवस्था की जाएगी? मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं जनता को और मेरे वार्ड वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि हर जगह नाली, सड़क पूरी और जो जो शासन की नीतियाँ आती है, मैं सबको उससे भली बात की सबको बताऊँगा, सबको योजना से जोड़ने का मौका दूंगा, सभी व्यवस्था कराऊंगा वार्ड वासियों को। मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगामी आप तैयारी कर रहे हो? आप देख सकते हैं आपकी टीम यहाँ घूमी हुई है वार्ड में। कमी आपको पता है, पानी भरा हुआ जगह जगह, हर जगह मच्छर, रोड नहीं है, नाली नहीं है। आज 5 साल में परिषद ने यहाँ पे रोड नाली कुछ भी व्यवस्था नहीं कराई है। आपके द्वारा क्या क्या व्यवस्था की जाएगी? मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं जनता को और मेरे वार्ड वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि हर जगह नाली, सड़क पूरी और जो जो शासन की नीतियाँ आती है, मैं सबको उससे भली बात की सबको बताऊँगा, सबको योजना से जोड़ने का मौका दूंगा, सभी व्यवस्था कराऊंगा वार्ड वासियों को। मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काम किया नहीं है, हमारे घर के सामने भी गड्ढे नाले भरी हुई है, मच्छर फैल रहे हैं, घर के सदस्य टोटे वासी सब परेशान। आगामी आपके क्षेत्र आपके वार्ड से वार्ड क्रमांक 5 से नरेंद्र वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी एक रोड डला है सिर्फ, उसके अलावा पूरा मतलब अभी जो किया गया उसकी अपन बात नहीं करते। अब क्या करना है उसकी बात करते हैं। अभी ज़रूरत है, जैसे देखो ये नाली वगैरह है, ये पूरी नाली देखिए आप इधर, एक तो नाली बनना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे नल फिटिंग का भी काम नहीं किया गया। जैसे अपनी लाइन जुड़ चुकी है तो यहाँ पे नाली डलवाई जाए। आपके वार्ड से युवा उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनके साथ हैं, बिल्कुल हम इनके साथ हैं, और हम मुस्लिम समाज का अध्यक्ष होने के नाते 200 से 250 वोट हम नरेंद्र भाई को समर्पित करते हैं। इन्हें कोई नहीं हरा सकता।